सुपरमार्केट में चीज की शॉप में चोरी होती है। चोर हर बार चीज शॉप में से महंगे चीज की चोरी करता है। चोर हर शनिवार को आता है और महंगे चीज की रहस्यमय चोरी करता है। उस चोर को पकड़ने के लिए दुकान का मालिक एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाता है। तो डिटेक्टिव वहां पर आता है और जगह को चेक करता है और वह चोरी हुए जगह के कैमरे के फुटेज चेक करता है। डिटेक्टिव दो इमेज को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि चोरी कौन कर रहा है। तो डिटेक्टिव उन दो इमेज को देखकर कैसे पता लगाता है कि चोर उनमें से कौन है? तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जरा ध्यान से सोचिए इसका जवाब। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो डिटेक्टिव इमेज को ध्यान से चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि इनमें से जो लड़की सायरा दिखाई दे रही है वही चोर है, क्योंकि सायरा चीज को अपने टी शर्ट में छुपा कर ले जाती है। तो डिटेक्टिव को पता चल जाता है तो सायरा ही चोर है। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए इसका जवाब? अगर आपका भी यही जवाब था तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए या फिर अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके बता सकते है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो इस पहेली में सायरा और बद्री दिखाई दे रहे हैं। सायरा अपनी कार चला रही है पर कार चलाते चलाते वो रास्ते में सो जाती है और दूसरे चित्र में बद्री प्लेन चला रहा है और प्लेन चलाते चलाते वो भी सो रहा है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मूर्ख है और वो मर भी सकता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जरा ध्यान से सोचिए इसका जवाब। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इनमें मूर्ख दोनों है पर ज्यादा मूर्ख सायरा है, क्योंकि वो कार चलाते वक्त सो रही है पर कार चलाते समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है और वो मर भी सकती है। पर बद्री प्लेन का पायलट है और वो प्लेन चला रहा है पर प्लेन में ऑटो पायलट मोड आता है तो प्लेन अपने आप उड़ता रहेगा और प्लेन में एक से ज्यादा पायलट होते है तो दूसरा पायलट की वजह से उस प्लेन को कुछ नहीं होगा। तो इनमें ज्यादा मूर्ख सायरा है। तो दोस्तों आपका क्या जवाब था? अगर आपका भी ये जवाब था तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मजेदार पहले की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र में बद्री मरा हुआ दिखाई दे रहा है और बद्री के हाथ में एक गन भी है। बद्री ने या तो सुसाइड किया है या फिर किसी ने बद्री का मर्डर किया है। तो दोस्तों क्या आप इस चित्र को देखकर हमें बता सकते हैं कि बद्री ने सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर हुआ है? अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो जरा ध्यान से सोचिए इसका जवाब। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो बद्री का मर्डर हुआ है, क्योंकि आप चित्र को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि बद्री 15 तारीख को बाहर घूमने के लिए जाने वाला था और उसने बैग भी तैयार कर लिया था, लेकिन रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है और सिगरेट भी पूरी तरह से नहीं बुझी है और गन बद्री के लेफ्ट हैंड में है लेकिन खून राइट साइड से बह रहा है। मतलब जब बद्री सिगरेट पी रहा था तब खूनी ने बद्री को गोली मारकर गन बद्री के हाथ में रख दी और सिगरेट को ट्रे में रखकर वहां से भाग गया। तो बद्री का मर्डर हुआ है। तो दोस्तों आपका क्या जवाब था हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते है। तो इनमें आपको दो पेप्सी के लोगो दिखाई दे रहे है पर इनमें से कोई एक लोगो असली है और दूसरा लोगो नकली है। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा लोगो असली है? तो इनमें राइट वाला लोगो पेप्सी का लोगो है, वो असली लोगो है। तो क्या आप पता लगा पाए इसका जवाब? तो चलिए दूसरा लोगो देखते हैं। तो दूसरा लोगो जैगुआर का है। तो इनमें कौन सा लोगो असली है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इनमें लेफ्ट वाला लोगो असली है। तो
तो इनमें से कौन सा लोगो स्नीकर का असली लोगो है, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? तो राइट वाला लोगो स्नीकर का असली लोगो है, क्या आप बता पाए इसका जवाब? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। रविवार के दिन बुध अपने ही गार्डन में मरा हुआ मिलता है। बुध को किसी नुकीले हथियार से बुध की छाती पर हमला किया, जिससे बुध की मौत हो गई होगी। तो खबर मिलने के बाद पुलिस वहां पर तुरंत आ जाती है। पुलिस वहां आसपास चेक करती है और पता लगाती है कि मर्डर अभी थोड़े समय पहले हुआ है। तो पुलिस बुध के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो सभी अपना अपना बयान बताते हैं। तो सबसे पहले सायरा कहती है कि मैं फूलों में पानी डाल रही थी, क्योंकि गर्मी के कारण फूल मुरझा ना जाए इसीलिए। फिर बद्री बताता है कि मैं फूलों को तोड़ रहा था, बगल में एक पार्टी है इसके लिए। और आखिर में जीवा बताता है कि मैं काम करके थक चुका था, तो मैं घर पर आराम कर रहा था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से बुध को किसने मारा है? अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जरा ध्यान से सोचिए इसका जवाब। इसका जवाब इस चित्र में ही छुपा हुआ है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो खूनी सायरा है, क्योंकि बुध का खून किसी नुकीले चीज से किया है, जिसके कारण बुध की छाती पर 6 जगह निशान थे। और सायरा के हाथ में जो औजार है उसमें 3 नुकीले भाग है, तो उसने 2 बार बुध के शरीर पर घा मारा होगा और बुध मर गया, जिससे बुध की छाती पर 6 जगह निशान बन गया। तो खूनी सायरा है। तो दोस्तों, आपका क्या जवाब था हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पहेली में आपको 2 कुक बद्री और बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, पर इनमें से कोई एक कुक किलर है। तो दोस्तों, क्या आप इन दोनों कुक को देखकर हमें बता सकते हैं कि कौन सा कुक किलर है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जरा ध्यान से सोचिए इसका जवाब। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इनमें जो बुध कुक है वो कुक किलर है, क्योंकि आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो खाने में टूटी हुई कांच की बोतल के टुकड़े को सूप में मिला रहा है, इससे सूप पीने वाले के शरीर में कांच घुस जाएगा, जिससे वो मर भी सकता है। तो इनमें बुध किलर है। तो दोस्तों, आपका भी यही जवाब था तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, या फिर अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।